We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. We can do everything, everything, everything. So hold on. Hi, this is Engineer Nedakundeswar Biswa, BTech in Mechanical Engineering. You are watching Koraput ITI online classes. Without wasting any more time, let's start it. Hi, welcome back to Koraput ITI online classes for trade theory second year fitter. This is a special class requested by the second year students, and today we are going to discuss about lifting appliances. So before going to our topic, first of all let us discuss about what is lifting. Lifting means rising a load to a required level. Mane kono gote load je kono si weight ku गोटे रिक्वायर्ड लेवल गोटे हाइट रे आम जो रेज करछु उठौछु उपरको जो उठेबा ताको आम लिफ्टिंग कहवा देन एप्लायंसेस कौन एप्लायंसेस मीन मेसीन और टूल यूज टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब जेकोसी जिनस को परफॉर्म करने जहाँ भी मेसीन टूल्स आम यूज करें एप्लायंसेस कहूँ तो ये आम देखा लिफ्टिंग एप्लायंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल आम जानले लिफ्टिंग कौन देन जानले एप्लायंसेस कौन एवं देखा लिफ्टिंग एप्लायंसेस. लिफ्टिंग एप्लायंसेस इज यूज टू लिफ्ट हेवी लोड विथ स्मॉलर एफर्ट कम एफर्ट रे लेस एफर्ट रे आम अधिक लोड जो लिफ्ट कर पारिबा बा उठे पारिबा ताकु आम लिफ्टिंग एप्लायंसेस कहवा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिफ्टिंग एप्लायंसेस रो आम जदि डेफिनेशन देखिबा एप्लायंसेस यूज टू रेज और लिफ्ट ए लोड टू ए रिक्वायर्ड हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज कॉल्ड द लिफ्टिंग एप्लायंसेस. ओके देन लिफ्टिंग एप्लायंसेस रो प्रॉपर्टीज आम बेसिकली देखा लिफ्टिंग एप्लायंसेस आम कौन पे यूज करछु जेकोसी जिनस को मध्य आम जब बाय हैंड बेयर हैंड रे खाली हाथ में निजर एफोर्ट देकी जब आम उठे पार्नु देन से जो पॉइंट रे आम कौन करछु लिफ्टिंग एप्लायंसेस यूज करछु जो हेवी वेट आसुछि हेवी वेट रो मेसीन आसुछि टूल्स आसुछि जेकोसी जिनस आसुछि ताको जब आम खाली हाथ में उठे पार्नु निजर ओन एफोर्ट रे उठे पार्नु आम लिफ्टिंग एप्लायंसेस यूज करकी सेठी से लोड को उठाऊ. द लिफ्टिंग टूल्स आर यूज फॉर रेजिंग ए लोड टू ए रिक्वायर्ड लेवल. ए लोड विच कैन नॉट बी लिफ्टेड बाय बेयर हैंड्स विल बी इजीली लिफ्टेड बाय द पर्सन यूजिंग ए क्रोबार विच इज यूज टू लिफ्ट ए पर्टिकुलर जॉब और पर्टिकुलर वेट. ओके देन लिफ्टिंग एप्लायंसेस रे आम जब तार वर्किंग प्रिंसिपल देखा लिफ्टिंग एप्लायंसेस केमी वर्क करोभिया काम करन वर्किंग है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लीवर. सिमिलरली आम मे बी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देखिथे सी सो जो मैंने कि सान बड़े आमर जो ग्राउंड रे जो मैंने खेलु थे सी सो जानी थे सी सो रे आम कौन हुए गोटे पॉइंट रे इटि मुझ ड्रॉइंग करके देखा ये ड्रॉइंग देखिपे गोटे पॉइंट रे सेटा है फल्क्रम पॉइंट से फिक्स थी से जो बारटा फिक्स थी बोथ द एंड्स रे आम सेटिंग स्पेस अवेलेबल थी से दीटा पिला दीटा साइड रे बसिकी लोड दिंती जड़े अपवर्ड गले जड़े डाउनवर्ड्स आसे तो से कौन हम गोटे जगह लोड थाए गोटे जगह एफर्ट थाए जो लोड थाए सी अपवर्ड जाए जो एफर्ट थाए सी डाउनवर्ड आसे मझे फल्क्रम पॉइंट यहाँ गोटे सिंपल लिवर आम जो फर्स्ट क्लास लिवर कह तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लिवर लिवर रा प्रिंसिपल रे ही लिफ्टिंग एप्लायंसेस आम यूज करछु. वन एंड ऑफ द क्रोबार इज इंसर्टेड अंडर द लोड विद अ फिक्स्ड सपोर्ट इन अ सुइटेबल प्लेस टू रेस्ट द क्रोबार विच वर्क्स एज अ फल्क्रम पावर इज अप्लाइड अनदर एंड टू लिफ्ट द लोड. सिमिलरली इटे कौन हो गोटे फल्क्रम पॉइंट रे से फिक्स थी गोटे साइड लोड अलरेडी एप्लाइड हो आम एफोर्ट ये एप्लाय करवा एफोर्ट एप्लाय कले से कौन हम ए लोड को लिफ्ट कर. देन लिफ्टिंग एप्लायंसेस के प्रकार लिफ्टिंग एप्लायंसेस यूजुअली फोर फाइव टाइप्स थाए जमीक स्क्रू जैक चेन ब्लॉक हाइड्रोलिक लिफ्टिंग जैक क्रेन ये सब. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आम देखा स्क्रू जैक मुझे अगेन लिखिदे कौन कौन अच्छी आमर स्क्रू जैक देन आसला चेन ब्लॉक हाइड्रोलिक लिफ्टिंग जैक क्रेन. ओके फर्स्ट आम देखा स्क्रू जैक कौन. ओके ये मुझे ड्र करदे स्क्रू जैक स्क्रू जैक रे जो वर्किंग प्रिंसिपल अच्छी कंस्ट्रक्शन अच्छी वेरी सिंपल इट वर्क्स अंडर द सिस्टम ऑफ बोल्ट एंड नॉट स्टैंडिंग वर्टिकली ये नॉट एंड बोल्ट द्वारा ही या को कंट्रोल करा जाए यार गोटे हैंडल थाए हैंडल द्वारा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आम मूवमेंट दे पारे इट हाज द बॉडी एंड स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू
ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରୁ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଆମେ ନଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବୋଲ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି କରୁଛୁ, ତ ସ୍କ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାକୁ ଆମେ ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରିପାରୁଛୁ। ଯାହା ବି ଆମକୁ ୱାର୍କିଂ କରିବାର ଅଛି ଥ୍ରୁ ଦ ସ୍କ୍ରୁ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍, ସେଇଠି ଆମକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଥ୍ରେଡ୍ ଥାଏ। ତ ଏଇଠି ସ୍କୋୟାର ଥ୍ରେଡ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଏଫିସିଏନ୍ସି ଭଲ ଥାଏ ସ୍କୋୟାର ଥ୍ରେଡ୍ରେ। ଦ ସ୍କ୍ରୁ ରଡ୍ ହାଜ୍ ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ରିଭଲ୍ଭିଂ ପ୍ୟାଡ୍, ସେଠି ଗୋଟେ ହେଡ୍ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ଭିଂ ପ୍ୟାଡ୍ ଥାଏ। ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଭିଭେଲ୍ ଗିୟର୍ ରେଚେଡ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ରୋଟେଟିଂ ଦ ନଟ୍ ବାଇ ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍। ଏଠି ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନଟ୍କୁ ରୋଟେଟ୍ କରିବା, ରୋଟେଟ୍ କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ଟା ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅପ୍ ଯେଉଁ ଅପୱାର୍ଡ଼ ପୋଜିସନ୍ ବା ଟପ୍ ପୋଜିସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଅପୱାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନୱାର୍ଡ଼ ଡିରେକ୍ସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ୱାର୍କିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ଲିଭର୍ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ରେ ଆସୁଛି। ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଲିଭର୍ ଆମେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅପୱାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନୱାର୍ଡ଼ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଏଇଠି ଦେଇପାରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସ୍କ୍ରୁ ଜ୍ୟାକ୍। ଏଇଠି ବେଟର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଏଇଠି ସ୍କୋୟାର ଥ୍ରେଡ଼େଡ଼ ନଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବୋଲ୍ଟ ଆମେ ଦେଇପାରୁଛୁ, ସ୍କୋୟାର ଥ୍ରେଡ଼୍ ଦିଆହେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅପୱାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନୱାର୍ଡ଼ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଡ୍ରଇଂକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବୁଝିପାରିବେ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ଆମର ବଡ଼ି, ଏ ବେସ୍ ଅଛି, ବେସ୍ ଯିଏକି ସପୋର୍ଟ କରେ। ଏଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଅଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା, ଅପୱାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନୱାର୍ଡ଼ ଡିରେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବା। ଦେଖିବା ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ଜ୍ୟାକ୍। ଦ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଜ୍ୟାକ୍ ଇଜ୍ ୱାର୍କିଂ ଅଣ୍ଡର୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ସମ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍, ୟୁଜୁଆଲି ଅଏଲ୍। ଦଟ୍ ଅଏଲ୍ ଇଜ୍ ଫୋର୍ସଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ସିଲିଣ୍ଡର୍ ଆଣ୍ଡ ରାମ୍ ଟୁ କନେକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ ସିଲିଣ୍ଡର୍। ଦ ଲୋଡ଼୍ ଇଜ୍ ଲିଫ୍ଟେଡ୍ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଦ ପ୍ରେସର୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଏଲ୍। ତ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ଜ୍ୟାକ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଆମର, ତା'ର ୱାର୍କିଂ କେମିତି, ଯେକୌଣସି ତ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଜେକ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ତା ଭିତରେ ଅଏଲ୍ ଥାଏ, ତା'ର ଅଏଲ୍ ୟୁଜୁଆଲି ଅଏଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ଲିକ୍ୱିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ସେ କାମ କରେ। ଅଏଲ୍ ଥାଏ, ସେ ଅଏଲ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ ଦେବା, ସେ ପ୍ରେସର୍ ଦ୍ୱାରା, ସେ ଅଏଲ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରେସର୍ ଅଛି, ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପ୍ରେସର୍ ଦେଉଛୁ, ସେ ପ୍ରେସର୍ ଦ୍ୱାରା ରାମ୍ ଅପୱାର୍ଡ଼ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଯିବ ଆଉ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ୟାର ୱାର୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ଦେଖିବା, ୱାର୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ଏଠି ଡ୍ର କରିଦେଇଛି, ଡ୍ରଇଂଟା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି ସେ ଜିନିଷ ଇଜିଲି ବୁଝିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି, କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେବନି, ସମସ୍ତେ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ୱାନ୍ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେ ହେଲା ଆମର ରାମ୍, ଯିଏକି ଅପୱାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନୱାର୍ଡ଼ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପାର୍ଟ ଟୁ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେ ହେଲା ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଦେନ୍ ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେ ହେଲା ଲେଦର୍ କପ୍। ପାର୍ଟ ଫୋର୍ ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେ ହେଲା ରାମ୍ ସିଲିଣ୍ଡର୍। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ୍ ସିଲିଣ୍ଡର୍ ଅଛି, ଏଇଟା ପାର୍ଟ ଫୋର୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପାର୍ଟ ଫାଇଭ୍, ସେ ହେଲା ନନ୍ ରିଟର୍ନ ଭଲ୍ଭ। ଦେନ୍ ପାର୍ଟ ସିକ୍ସ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଲୋୟର୍ ଭଲ୍ଭ ଅଛି ପାର୍ଟ ସିକ୍ସ, ଏଇ ପାଖରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ପାର୍ଟ ସିକ୍ସ, ଯେଉଁଠି ଲୋୟର୍ ଭଲ୍ଭ ଆମେ କହିବା। ଦେନ୍ ପାର୍ଟ ସେଭେନ୍ ଆସିଲା ଅଏଲ୍ ପ୍ଲଗ୍, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ପାର୍ଟ ସେଭେନ୍ ଅଛି, ସେ ହେଲା ଅଏଲ୍ ପ୍ଲଗ୍। ପାର୍ଟ ଏଇଟ୍ ହେଲା ପ୍ଲଞ୍ଜର୍। ପାର୍ଟ ନାଇନ୍, ସରି, ପାର୍ଟ ଏଇଟ୍ ହେଲା ରିଜର୍ଭର୍, ପାର୍ଟ ନାଇନ୍ ହେଲା ପ୍ଲଞ୍ଜର୍। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଏଲ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ ଅଏଲ୍କୁ ରିଜର୍ଭର୍କୁ ଧରିକି ଆସିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ରାମ୍ ସିଲିଣ୍ଡର୍ ଭିତରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ହୋଇପାରିବ। ତ ଏଇଟ୍ ହେଲା ଆମର ରିଜର୍ଭର୍, ନାଇନ୍ ହେଲା ପ୍ଲଞ୍ଜର୍, ଦେନ୍ ଟେନ୍ ହେଲା ଭଲ୍ଭ। ଏଇଠି ଟେନ୍ ଅଛି, ଦେଖିପାରିବେ ଟେନ୍ ହେଲା ଆମର ଭଲ୍ଭ। ଦେନ୍ ଇଲେଭେନ୍ ହେଲା ଅପରେଟିଂ ଲିଭର୍, ତଳେ ଅଛି ଅପରେଟିଂ ଲିଭର୍। ଆଉ ଟୁଏଲ୍ ହେଲା ଫଲ୍କ୍ରମ୍, ଯେଉଁଟା ଫିକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ। ତ ୟାର ୱାର୍କିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ରେ କ'ଣ ସେ କହୁଛି, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଅଏଲ୍ ରିଜର୍ଭର୍ ଆଟ୍ ଦ ବେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜେକ୍। ଅଏଲ୍ ଇଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ଥ୍ରୁ ଦ ଅଏଲ୍ ପ୍ଲଗ୍ ଇନ୍ ଦ ରିଜର୍ଭର୍। ଅଏଲ୍ ପ୍ଲଗ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଏଲ୍ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିବା ଅଏଲ୍ ରିଜର୍ଭର୍ ଭିତରେ। ଦେନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆଟ୍ ଦ ଲୋୟର୍ ଏଣ୍ଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ନନ୍ ରିଟର୍ନ ଭଲ୍ଭ ଥ୍ରୁ ୱିଚ୍ ଦ ଅଏଲ୍ ଏଣ୍ଟର୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରିଜର୍ଭର୍ ୱେନ୍ ପାସିଂ ଦ ଅପରେଟିଂ ଲିଭର୍। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଅଛି ଗୋଟେ ନନ୍ ରିଟର୍ନ ଭଲ୍ଭ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନନ୍ ରିଟର୍ନ ଭଲ୍ଭ ପାର୍ଟ ଫାଇଭ୍, ମୁଁ କହିଥିଲି ଏ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଫାଇଭ୍ରେ ନନ୍ ରିଟର୍ନ ଭଲ୍ଭ ଅଛି, ଏଇଠି ଅଏଲ୍ ଇନ୍ସର୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆଉ ସେ ରିଟର୍ନ ଆସିପାରିବନି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପ୍ରେସର୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିବ। ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସେକ୍ସନ୍ ଦ ଭଲ୍ଭ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଦ ଅଏଲ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟର୍ ବାଇ ଅପରେଟିଂ ଦ ଲିଭର୍ ବାଇ ଦ ଡାଉନୱାର୍ଡ଼। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଭର୍ ଅଛି, ଲିଭର୍କୁ ଅପରେଟ୍ କରିକି ଆମେ ଅଏଲ୍ ଏଣ୍ଟର୍ କରିପାରିବା ତା ଭିତରେ। ଦେନ୍ ଦ ପ୍ଲଞ୍ଜର୍ ଗୋଜ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ ଦ ଟ୍ୟୁବ୍ ସପ୍ଲାଇଂ ଦ ଅଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଦ ନନ୍ ରିଟର୍ନ ଭଲ୍ଭ ଏଲାଉ ଦ ଅଏଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ରାମ୍ ସିଲିଣ୍ଡର୍ ଆଣ୍ଡ ଦସ୍ ଦ ରାମ୍ ରାଇଜେସ୍ ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଦ ପ୍ରେସର୍ ଅଫ୍ ଅଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲୋଡ଼୍ ଇଜ୍ ଲିଫ୍ଟେଡ୍ ଏକର୍ଡ଼ିଂଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଜିଲି ନର୍ମାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଅଏଲ୍ ରିଜର୍ଭର୍ରେ ଅଏଲ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି,
ए ऑयल को ए जो राम सिलिंडर भितर आम प्रोवाइड करवा राम सिलिंडर भितर जो आम प्रोवाइड करदे सप्लाय करदे देन एठी आम कौन ताकि प्रेसर क्रिएट करवा जिते ऑयल आम प्रोवाइड करवा से प्रेसर क्रिएट कर ये जो नॉन रिटर्न वाल्व अच्छी नंबर फाइव जोटा अच्छे आम नॉन रिटर्न वाल्व अच्छी नॉन रिटर्न वाल्व द्वारा आम बस नॉन रिटर्न वाल्व मैंने कौन जोटे इनपुट हो पार बट आउटपुट हो पारे आम ताकि ऑयल इनपुट कर बट आउटपुट कर मानने से जो रास्ता देखिए ऑयल रिटर्न आसपारे ये जो पार्ट सिक्स अच्छी ताद्वारा पार्ट सिक्स जोटा अच्छी लोअर वाल्व अच्छी से लोअर वाल्व द्वारा ऑयलटा रिटर्न आसपार जदि आमको प्रेसर रिलीज करार अच्छी ये जो 11 नंबर अच्छी आम ऑपरेटिंग लिवर द्वारा आम ऑपरेट करवा जे अपवर्ड नेबार अच्छी कि डाउनवर्ड नेबार अच्छी प्रेसर क्रिएट करवा कि प्रेसर क्रिएट करवानी ये जो कंप्लीट प्रोसीजर रे कौन हम आम जो ऑयल ये सप्लाई करवा ये अपवर्ड डायरेक्शन रे फ्लो हम ये देखूँ आम रामटा अपवर्ड डायरेक्शन फ्लो हम एवं ये जो अपवर्ड डायरेक्शन जाकि उपरको जीव या उपर जहाँ लोडटा थी से लोडटा लिफ्ट हम मैंने उपरको जीव तो एतिक ही रहा बेसिक हाइड्रोलिक लिफ्टिंग जैक एवं देखा चेन ब्लॉक ऑलरेडी कंप्लीट हो जाए चेन ब्लॉक इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग द लोड इट कंसिस्ट ऑफ टू ग्रूव्ड पुली फिटेड साइड बाय साइड ऑन ए सेम स्पिंडल ये देखिपे दुटा ग्रूव्ड पुली अच्छी फिटेड साइड बाय साइड ऑन द सेम स्पिंडल ये लिफ्टिंग द लोड लोड लिफ्ट करने वेट हेवी वेट को लिफ्ट करने रेज करने यूज करूँ यार पार्टस मो पार्टस सहित यार वर्किंग प्रिंसिपल भी वर्किंग सिस्टम बतेदेवि तो फास्ट आसला फिक्स्ड हुक ये जो नंबर वन आए है फिक्स्ड हुक कौन हो मानने गोटे जगार फिक्स हो जो दुटा पुली अच्छी ये सिक्स नंबर जोड़ा अच्छी लिफ्टिंग हुक ए फिक्स्ड हुक रे ये जो अपर पार्ट ये जो अपर पुली अच्छी ये फिक्स हो लिफ्टिंग हुक कौन कर जहाँ भी लोड अच्छी से लोड को आम जो लिफ्टिंग हुक सहित कनेक्ट करदे आम लिफ्ट कर देन आसला ग्रूव्ड पुली ये जो पुली गुड़ाक अच्छी ये ग्रूव्ड पुली अच्छी जहाद्वारा कि चेन रे एडजस्टमेंट कर हाइट को आम आम हिसाब से एडजस्ट कर देन आसला चेन गाइड जो नंबर थ्री अच्छी ये गाइड कर चेन आम जो यहाँ तो आम चेन ब्लॉक अच्छी ये जो चेन गुड़ाक अच्छी से चेन को आम गाइड करवा नंबर थ्री रे मेनसन कराई देन आसला हैंड चेन आम बाय हैंड या जो एडजस्ट कर ये आसला आम हैंड चेन देन आसला ग्रुप पुली अगेन ये नंबर टू भी थिला ग्रुप पुली नंबर फाइव मध्य जो अच्छी दुटा पुली आम पाखे अच्छे सी है ग्रुप पुली देन लिफ्टिंग हुक ये जो नंबर सिक्स अच्छी ये है लिफ्टिंग हुक जहाद्वारा कि आम जेकोसी लोड को मध्य लिफ्ट कर देन आसला सेवेन चेन यहाँ तो आम समस्त जानचे ये है चेन यार वर्किंग कंडीशन कौन अच्छी ये जो नंबर वन अच्छी ये फिक्स हो जो नंबर सिक्स अच्छी नंबर सिक्स सहित आम लोड को कनेक्ट करवा एवं ये जो हैंड चेन जो अच्छी हैंड चेन द्वारा आम एडजस्ट करके से जो हाइट को आम आम रिक्वायर्ड हाइट रे ये जो पुली अच्छी ये पुली रिक्वायर्ड हाइट को ट्रांसमिट हो माने फ्लो से गति कर रिक्वायर्ड हाइट को से जीव रिक्वायर्ड हाइट को गलापर आम से जो या सहित कनेक्ट हो नंबर सिक्स रो हुक अच्छी लिफ्टिंग हुक अच्छी लिफ्टिंग हुक सहित अपवर्ड डायरेक्शन रे गले आमर जहाँ लोड अच्छी आम से लोड को अपवर्ड डायरेक्शन रे इजिली विथ सम लेस एफर्ट आम से लोड को इजिली लिफ्ट कर पारिबा देन यार जदि आम देखिबा डिटेल वर्किंग प्रिंसिपल मुझे जो मैं भी नोट्स लिखिबार अच्छे से लिखिपारे चेन ब्लॉक इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग द लोड्स इट कंसिस्ट ऑफ टू ग्रुप पुली नंबर वन एंड नंबर टू आर द टू ग्रुप पुली फिटेड साइड बाय साइड ऑन द सेम स्पिंडल एकोमोडेटिंग ए चेन ऑल्सो द पुलीज आर सपोर्टेड विद ए क्लैंप एंड हुक ऑन द टॉप टू एंटर इन ए स्लिंग इट इज फिटेड ऑन ए लोअर लोअर हेड स्ट्रक्चर और ए पोल सेंटर देन एनदर पुली इज ऑल्सो फिटेड विद ए क्लैंप प्रोवाइडिंग विद ए लिफ्टिंग हुक ये जो पुली मध्य अच्छी क्लैंप सहित फिट अच्छी और गोटे लिफ्टिंग हुक या सहित दिखाई ये फिक्स्ड हुक दिखाई ये लिफ्टिंग हुक दिखाई द चेन पासेस थ्रू द चेन पासेस थ्रू द चेन गाइड्स ओवर द टॉप बिगर पुली एंड इट रिटर्न्स टू द हैंगिंग पुली ये कौन हम ये जो गाइडिंग चेन अच्छी ये कौन कर ये जो नंबर थ्री अच्छी ये जो चेन गाइड जी अच्छी से गाइड कर जहाद्वारा कि यार अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन सी माने डिसाइड कर या को अपवर्ड डायरेक्शन दिहब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन दिहब बोथ द पुलीज स्मॉलर एंड बिगर आर फिक्स्ड ऑन द सेम स्पिंडल मेकिंग द चेन कनेक्शन थ्रू आउट
व्वेन द चेन इज पुल्ड बाय द हैंड ऑल द पुलिस आर फंक्शनिंग जितेबाला ये जो हैंड चेन अच्छी नंबर फोर आम अच्छी हैंड चेन या जितेबाला आम ऑपरेट करियो व्वेन द चेन इज पुल्ड बाय द हैंड ऑल द पुलिस आर कनेक्टिंग एंड द हुक कैरीज द लोड सबूक पुलिस कनेक्ट हो देखिपर नंबर फोर आम ये जो पुलिस सहित बिगर पुलिस सहित कनेक्ट हो गोटे चेन द्वारा ये स्मलर पुलिस सहित बिगर पुलिस कनेक्ट अच्छी जदि आम नंबर फोर द्वारा या रोटेट करवा याकु आमे डायरेक्शन देवा अपवर्ड कि डाउनवर्ड डायरेक्शन देवा आमे ताको कंट्रोल करके आमे अपवर्ड किंबा डाउनवर्ड डायरेक्शन दे पारिबा जो नंबर सिक्स रो लिफ्टिंग हुक अच्छी और लिफ्टिंग हुक सहित तो आमर लोड कनेक्ट होगी अच्छी देन ये तो थिला चेन ब्लॉक एबे देखिबा क्रेन जेमती मुझे कही फोर पार्टस अच्छी ताभर क्रेन गोटे लास्ट रे थिला क्रेन तो समस्त देखिबे क्रेन इज ए मेसीन यूज टू लिफ्ट वेरी ह्यूज लोड सच एज रेलवे इंजिन पावर हमर्स एंड अदर हेवी लोड्स द क्रेन इज यूज टू लिफ्ट द लिफ्ट एंड कैरी द लोड टू ए डिजायर्ड प्लेस क्रेन कौन करोसी आमर लोड अच्छी हेवी लोड अच्छी जमीक आम रेलवे पावर हमर्स अदर हेवी लोड्स जहाँ भी आम कंपनीज यूज हो सब हेवी लोड्स को लिफ्ट करने आम क्रेन यूज करोस्ट अफ द स्टूडेंट्स आई थिंक अल द स्टूडेंट्स हैव सीन द क्रेन लाइफ रे केबे ना केबे मध्य से माने क्रेन को देखी थे आउ तारो वर्किंग प्रिंसिपल माने केमती काम करछि से माने मध्य देखी थे इट तो ड्रॉइंग्स भी अवेलेबल नाही बुक रे आमे फर्दर जते बेले डीपली पढिबा क्रेन विषय रे सेते बेले जो माने भी हायर स्टडी करिवे से माने सेठी डीपली जानि परिवे क्रेन इज ए मशीन यूज्ड टू लिफ्ट वेरी ह्यूज लोड सच एज रेलवे इंजिन पावर हमर्स एंड अदर बिग साइज जेमती कि हमरो बॉक्सेस आउछि बडो बडो बॉक्सेस कैरी करिवा पे जहां भी हमरो हेवी लोड्स ताभरे अवेलेबल था से सब जहाँ भी आम देखु ताको जो क्रेन गोटे मेसीन अच्छी जहाद्वारा कि आम हेवी लोड्स को लिफ्ट कर पारिबा गोटे जगार आ गोटे जगह को ट्रांसपोर्ट कर पारिबा आमर डिजायर्ड प्लेस को ताको पठे पारिबा तो ये जो ऑल द लिफ्टिंग अप्लायंसेस अच्छी ये सब लिफ्टिंग अप्लायंसेस को यूज करवा समय आमको किसी सेफ्टी प्रिकॉशंस ध्यान को ध्यान देवा पड़ो आ माइंड रखा पड़ो फर्स्ट ऑफ ऑल आम देखा पड़ो बिल्ड अप विथ ब्रॉड पैकिंग नैरो पैकिंग मे बी कॉज फॉर डेंजर जोटि की ब्रॉड पैकिंग बा नैरो पैकिंग ये सब आम पर्टिकुलरली जहाँ जगह जेकोसी प्रकार पैकिंग आमको जमी देवा दरकार से भाया ही देवा कौन जगह ब्रॉड जगह नैरो नैरो जगह ब्रॉड ये भाया किसी पैकिंग देवानी नेवर यूज ए क्रैक पैकिंग यूज स्ट्रॉन्गर पैकिंग क्राफ्ट पैकिंग यूज करवानी जहाँद्वारा कि कौन से प्रकार एक्सीडेंट से जो ऑन द स्पॉट हो पारे एट द सेम टाइम डू नॉट ट्राई टू लिफ्ट लोड देन इट्स कैपेसिटी से समय आम कौन सी भी लोड तार कैपेसिटी ये जदि मु नंबर सिक्स रे हेवी लोड दे देवी जहाद्वारा कि चेन ही छिंडी जीवो से भाया गोटे जेकोसी मेसीन रोटे लिमिटेसन थाए से लिमिटेसन को आम ध्यान रखिकी कम करने को पड़ो वर्किंग करने को पड़ो तो तार कैपासीटी के कैपासीटी हिसाब से ही आम लोड देवाक पड़ो नेवर इनसर्ट योर हैंड अंडर द लोड व्हाइल पुटिंग और रिमूविंग द पैकिंग रिमु माने पैकिंग देवा समय काढ़ समय आम कौन सी समय आम हैंड यूज करवानी जहाद्वारा कि एक्सीडेंट क्रिएट होवार चान्सेस रही जाए आम हाथ माड़ हो पारे देन नेवर स्टैंड अंडर द लोड व्हाइल मूविंग अफ जितेबले ये जो नंबर सिक्स द्वारा आम लोड जितेबले अपर डायरेक्शन को गला से समय रे आम ये जो लोड तले केबे मध्ये ठिया हेबानी कौनसी भी कारण रे कौनसी भी मैकेनिकल डिफेक्ट द्वारा जब से लोड खसीगला फ्रम द हुक जोठे भी आम फिक्स कर खसीगला तो बहुत बड़ एक्सीडेंट हो पारे इवेन आम जीवन मध्य जाए सो ये जो सेफ्टी प्रिकॉशंस जेकोसी मशीन यूज करवा समय जेकोसी वर्कशॉप रे जहाँ भी आम काम करछु ईच एंड एव्री पॉइंट रे आमको ये सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज ध्यान रखिकी सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज करने को पड़ो सेफ्टी जहाँ भी सेफ्टी अप्लायंसेस अच्छी ताको आम यूज करने को पड़ो आउ विथ विथ प्रॉपर प्रोसीजर आम मशीन्स को जमी यूज करवा ये सब जिन आम सब ध्यान रखि दरकार सो आज क्लास जमती कि मोस्ट ऑफ़ द सेकेंड इयर फिटर स्टूडेंट्स मैंने रिक्वेस्ट करते से हिसाब से मुझे लिफ्टिंग अप्लायंसेस अगेन कर दे जो मान को जहाँ भी प्रॉब्लम हो ड्यूरिंग द क्लासेस जेकोसी पॉइंट रे जहाँ भी डाउट थी से माने सिंपली पचारि पारे एवं जमती रिक्वेस्ट कले से भाया मत कमेंट करेंगे इवेन आम व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी व्हाट्सएप ग्रुप से माने मेसेज करेंगे आउ जेकोसी क्लास दरकार से भाया क्लास मुझे अगेन अगेन मेक फॉर यू सो थैंक यू सो मच And don't forget to like and follow the Koraput IT official Facebook page. Don't stop.
soul.